स्टेट इज माइनस 13.6। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ है भाई, ग्राउंड स्टेट में है, तो ग्राउंड स्टेट में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके है। जब एनर्जी बताया नहीं जाएगा तो यहाँ बता दिया, तो टोटल एनर्जी फिर भी मैं कंसीडर करके चलूँगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना है। तो यार ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी है वो माइनस 13.6 है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो सबसे पहले अगर हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करोगे, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये ग्राउंड स्टेट हो गया n इक्वल टू 1 और ये n इक्वल टू 2। तो अब इलेक्ट्रॉन 2 में अगर जाएगा तो 2 में टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो 2 में इसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो हो जाएगी माइनस 13.6 एन स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन है, तो ये आ जाएगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज द टोटल एनर्जी इन सेकेंड एनर्जी लेवल या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये वाली चीज। अब इस एक्साइटेड स्टेट में हमें काइनेटिक एनर्जी पता करना है, तो हम सबको पता है टोटल एनर्जी है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद कर लो, टोटल एनर्जी माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है। ये एक ब्रह्मास्त्र, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ग्रेविटेशन और इधर बहुत काम आने वाला है, याद रखना है, एक ही जगह माइनस होता है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी तो आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3.0, तो काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर दो, तो इन दोनों को उठा के लेके आओ। टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी कितना है, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यह आ जाएगा माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, तो माइनस ने माइनस को ख़त्म कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आ जाएगा। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। और वैसे भी यार ये सब नहीं करने की ज़रूरत है, तो तुम्हें वैसे भी कॉन्सेप्ट से याद है कि टोटल एनर्जी मैग्नीट्यूड में काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, तो यहाँ से स्टेप गायब कर दो, और ये टोटल एनर्जी 3.4 है, तो काइनेटिक एनर्जी उतना प्लस के इक्वल होगा। दैट इज डी ऑप्शन, सही है।